मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फोरियो में आपका स्वागत है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोजगार समाचार से संबंधित हैं यानी एम्प्लायमेंट न्यूज़ से संबंधित हैं इस वीडियो में दो लाख से ज़्यादा पदों के बारे में हम बताने वाले हैं यानी कुल दो लाख प्लस पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं और आप दसवीं क्लास पास हैं तो दसवीं क्लास पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित हैं बारहवीं क्लास पास आउट हैं तो बारहवीं क्लास पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित हैं ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो ग्रेजुएशन पास आउट पे आवेदन आमंत्रित हैं और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन साइंस हैं या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस हैं तो इस लेवल पर भी आवेदन आमंत्रित किया गया है आपके पास बी एड बी एड बी ए बी एड हैं या सी टेट हैं तो इस लेवल पे आवेदन आमंत्रित किया गया है तो आज का वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में दो लाख प्लस पदों के बारे में बताने वाला हूँ और यह जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज हैं तीन जून से लेकर नौ जून तक के जितनी भी वैकेंसी हैं सभी वैकेंसी के बारे में आज मैं डिटेल जानकारी बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोजगार समाचार में जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में तो देखिए बिहार में जो वैकेंसी आई है टीचर के लिए यानी पीजीटी टीचर टीजीटी टीचर पीआरटी टीचर्स के लिए एक लाख सत्तर हज़ार चार सौ इकसठ पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है और इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर संपूर्ण जानकारी के साथ क्वालिफिकेशन से लेकर अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक के लिए और कितना पद पी आर टी टीचर के लिए है कितना पद टी जी टी के लिए है और कितना पद पी जी टी टीचर के लिए है संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड की गई है और इसमें केवल एक लाख सत्तर हज़ार चार सौ इकसठ पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है तो वह वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वह एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और पद भी बहुत अच्छा है तो एक लाख सत्रह हजार चार सौ इकहत्तर पद तो वो हैं इसके अलावा इसमें लगभग पचास हजार प्लस पद के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो वैकेंसी आई है संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो दो हजार तेईस में वैकेंसी आई थी इससे रिलेटेड इसमें एक नोटिफिकेशन जारी की गई है तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में जो पद हैं तो देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति क्रमांक दी गई है और यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दी गई है यहाँ पे पद आईडी दिया गया है ये विभिन्न पद हैं और इसके साथ में ये आईडी दी गई है इसमें बैंकिंग के क्षेत्र में आवेदन आमंत्रित हैं इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आवेदन आमंत्रित हैं किशोर एवं प्रजनन स्वास्थ्य में आवेदन आमंत्रित हैं इस तरह से यह विभिन्न पद हैं जो मेडिकल क्षेत्र में और डिजिटल क्षेत्र में आवेदन आमंत्रित किया गया है जिसमें उप सचिव का पद है और विभिन्न साइबर सुरक्षा से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं किन टेक तक के लिए आवेदन आमंत्रित है यह एक बड़ी वैकेंसी है तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो यह आवेदन आमंत्रित किया गया है पद का नाम है निर्देशक या उप सचिव और विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं इस तरह से अब हम दूसरी बात करें तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक हैं इसमें भी आवेदन आमंत्रित किया गया है यानी राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान में नोटिफिकेशन आया है इसमें संयुक्त निर्देशक के लिए एक पद है और प्रशासनिक अधिकारी के एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं और अच्छी सैलरी है बहुत अच्छी सैलरी है सैलरी दो लाख अठारह हज़ार हैं दो लाख छाछठ हज़ार तक सैलरी है इस पद के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें दूसरी हम बात करें नई दिल्ली नगर पालिका में भी एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर निर्देशक के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है निर्देशक का पद है इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार केंद्र केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी के लिए निम्नलिखित पद हैं जो अनुबंध के आधार पर दी गई है यह डिटेल जानकारी तो आप देख सकते हैं अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है राइट्स लिमिटेड में तो देखिये राइटेस लिमिटेस में जो वैकेंसी है इसमें एम से लेकर यानी उप मुख्य सुरक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार विशेषज्ञ मल्टी मोबाइल एक्सपर्ट वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ मुख्य डिजाइन एवं मुख्य निवासी अभियंता मुख्य परियोजना प्रबंधन यानी मैनेजमेंट प्रणाली प्रकृत परीक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित हैं मुख्य पर्यावरण डिजाइन निर्देशक और मुख्य सिंगल प्रणाली अभियंता एवं मुख्य निवासी अभियंता सिंगल कार के लिए हैं इस तरह से ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर एक्सपर्ट के लिए हैं मुख्य रोलिंग स्टाफ डिजाइन एंड निर्देशक अभियंता और परियोजना प्रबंधन के लिए हैं और वरिष्ठ संविदा विशेषज्ञ प्रणाली के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं इस तरह से यह वैकेंसी हैं और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि पंद्रह जून दो तक हैं तो अभी आपके पास टाइम है आप आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में जो आवेदन आमंत्रित किया गया है यानी आईआईटी मंडी में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो 23 मई को यह नोटिफिकेशन आया था मैं आपको बता दूं तो इसमें जो पद हैं विभिन्न पद पर जिसमें फार्मासिस्ट नर्स चिकित्सा अधिकारी कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर में सिविल विद्युत और कार्यकारिणी अभियंता के लिए हैं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए हैं टेक्नीशियन अधिकारी और कनिष्ठ टेक्नीशियन अधीक्षक कनिष्ठ टेक्नीशियन अधीक्षक आई में भी आवेदन आमंत्रित हैं जल राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इसकी हम बात करें तो कुल सहायक अभियंता सिविल में यानी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए तीन पदों पर नोटिफिकेशन जारी की गई है और यह जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है लेकिन पद कम है तीन पद हैं आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इसके लिए वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इसके अलावा टी एच डी सी इंडिया लिमिटेड में जो आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें एंट्री सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है तो इसमें कुल पद की बात करें तो सिविल में ट्वेंटी वन पद हैं इलेक्ट्रिकल में ट्वेंटी वन है और मैकेनिकल में टेन पद पर भर्ती आई है या जो वैकेंसी हैं ट्रेनिंग के लिए दी गई है तो इससे रिलेटेड साइड मैं वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड किया हूँ तो आप इस चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल जानकारी बताई गई है इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है यदि आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसमें डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है अगली जो वैकेंसी है इसकी हम बात करते हैं तो देखिए यह जो वैकेंसी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में आया है जिसमें चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य नर्सिंग अधिकारी नर्सिंग अधीक्षक और उप नर्सिंग अधीक्षक का ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं और कुल पद की बात करें तो कुल ट्वेंटी वन पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह वैकेंसी मेडिकल फील्ड में था इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था अंतिम तिथि तीस जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं यानी आप इंटरेस्टेड हैं मेडिकल फील्ड में तो तीस जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगली जो वैकेंसी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में है और इसमें जो वैकेंसी आई है इसमें संयुक्त निर्देशक अनुसंधान उप सॉरी ज्येष्ठ यानी सीनियर अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान अधिकारी और सीनियर अनुसंधान सहायक अनुसंधान सहायक के लिए एक एक पद हैं और सीनियर अनुसंधान यानी रिसर्च अधिकारी का जो पद है वो दो पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो सैलरी भी अच्छी है इस पद के लिए यदि देखा जाए तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि बीस 20 जून दो तक आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है कि आपको वेबसाइट पर जाना है क्योंकि जो रोजगार समाचार है जो सिक्सटी पेज का आता है फिफ्टी से फिफ्टी से लेकर सिक्सटी पेज का कराता है और संपूर्ण जानकारी यदि क्वालिफिकेशन बताएं तो दो घंटे तीन घंटे का वीडियो हो जाता है इसलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं अगली जो वैकेंसी है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्था में है जिसमें मुख्य अभियंता के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं तो मैं बात कर रहा था कि वीडियो को हम शॉर्ट कर देते हैं इसलिए कि आप डिटेल जानकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं साथ ही ऑनलाइन ये न्यूज़पेपर हैं जो इंप्लायमेंट न्यूज़ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड नहीं होगा बट आप रीड कर सकते हैं हम भी वीडियो बनाते हैं तो सेम वैसे ही रीड करके ही बनाते हैं उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में महाप्रबंधक औषधि के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुल एक पद के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं जो वैकेंसी आई है सैनिक स्कूल गो गोलपारा असम में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो देखिए यह एक असंविधा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं लेकिन वैकेंसी अच्छी है जिसमें पीजीटी टीचर टी टीचर प्रयोगशाला सहायक आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक हेडमास्टर मेस प्रबंधक घोड़सवारी अनुदेशक इसके अलावा यू और एल के लिए एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास अभी भी टाइम है नौ जून से लेकर बारह जून तक पदवार इसमें अंतिम तिथि दी गई है तो आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो इसके लिए हम जो इलेक्ट्रिकल के लिए जो हैं सत्रह पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है यानी अधिशासी अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए कुल सत्रह पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और एल बारह के अनुसार आवेदन आमंत्रित किया गया है और भी डिटेल जानकारी योग्यता क्वालिफिकेशन तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि तो ये सब मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अब हम बात करते हैं पावर ग्रिड में तो पावर ग्रिड में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंटर्नशिप के लिए सहायक प्रविच्छुक वित्त एवं लेखा अधिकारी के लिए इंटर्नशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें दूसरी जो वैकेंसी है शासकीय विज्ञान संभाग में आया है डिविजन ऑफ वेजिटेबल साइंसेस में यानी आई में एग्रीकल्चर जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है तो यह तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं जिसमें व्यक्तिगत यानी इंटरव्यू के आधार पे आवेदन आमंत्रित हैं अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान भोपाल में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो देखिए एक पहले भी वैकेंसी आई थी जिससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया हूँ बट थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ इसमें लैब सहायक और सहायक वार्डन महिला के लिए कुल दस पद हैं यानी लैब टेक्नीशियन सहायक के लिए नौ पद हैं और महिला के एक पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है अब हम बात करें दिल्ली विकास प्राधिकरण में तो यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो आपके लिए मैं बताने वाला हूं यह नोटिफिकेशन जो आया है आज ही नोटिफिकेशन जारी की गई है यानी तीन जून दो से दस बजे से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है दो जुलाई दो शाम को छः बजे तक है तो यह एक सबसे बड़ी वैकेंसी हम बता रहे हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण में जिसमें जो पद का नाम बताएं तो सहायक लेखा अधिकारी सहायक अनुभाग अधिकारी आर्किटेक्चर असिस्टेंट कानूनी सहायक नायब तहसीलदार कनिष्ठ अभियंता सिविल और सर्वेयर पटवारी और जूनियर सॉफ्टवेयर असिस्टेंट के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है छः पदों पर नोटिफिकेशन जारी की गई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है छह सौ सतासी पद कम नहीं होते हैं कुल पदों की बात करें तो आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर इस पद के लिए अप्लाई करें क्योंकि यह एक बड़ी वैकेंसी है अब हम बात करें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो आशुलिपिक यानी लोअर डिवीजन कलर के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं ट्वेंटी नाइन पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और अंतिम तिथि बीस जून तक है डिटेल जानकारी इसमें नहीं दी गई है डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना है अगली जो वैकेंसी हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आया है यानी नई दिल्ली में जो आवेदन आमंत्रित हैं योग अनुदेशक के लिए दो पद हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के एक पद हैं लेखाकार अकाउंटेंट के दो पद हैं रेडियो रेडियोलॉजी सहायक के लिए एक पद हैं प्रयोगशाला सहायक के छः पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और प्रयोगशाला अटेंडेंट के कुल यह एक बड़ी वैकेंसी है यानी प्रयोगशाला सहायक जनरल कैटेगरी में कुल पाँच पद हैं इस तरह से कुल पद की हम बात करें तो कुल दस पदों पर आवेदन आमंत्रित है और विविध श्रेणी लिमिटेड में भी दो पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और अठारह मई को नोटिफिकेशन आया था तो हो सकता है कि इसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूँ कर दिया हूँ तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं इस पद के लिए अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है आई में जो आया है इसमें निर्देशक के लिए एक पद पर नोटिफिकेशन जारी गई है। जो अगली हम बात करें जो -E जो दिव्यांग संस्था है में आवेदन आमंत्रित हैं तो इसमें एक बड़ी वैकेंसी है अपीलिकेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 तक है इसमें करियर गिविंग में, में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है इसके अलावा विभिन्न पद हैं तो ये देख सकते हैं कि दस महीने के लिए कोई चार साल के लिए कोई दो साल के लिए एक बड़ी वैकेंसी है और इसमें यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है अब हम बताएं बात करें एक प्रवेश सूचना आई है मुंबई विद्यापीठ जर्मन विभाग में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित हैं इसके अलावा एच इंटरनेशनल लिमिटेड में जो है अकाउंटेंट के लिए तीन पद हैं और सिविल में ऊपर यानी डिप्टी इंजीनियर के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और इस पद के लिए अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे जिससे कि अच्छे से फुल जानकारी आपको प्राप्त हो जाए अब हम बात करते हैं जो अगली वैकेंसी है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज संध्या में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो यह जो नोटिफिकेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली में जो आवेदन आमंत्रित हैं इसमें निर्देशक शारीरिक शिक्षा के लिए एक पद है और वरिष्ठ निजी सहायक का एक पद है और कनिष्ठ सहायक के लिए एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं अब हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक सूरत कल में जो आवेदन आमंत्रित हैं इसमें संकाय पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है यह जो वैकेंसी है संविदा के आधार पर जारी की गई है जिसमें अध्यापक के लिए यानी टीचर असिस्टेंट टीचर और के लिए जो आवेदन आमंत्रित है अध्यापक के सात पद हैं सह है, अध्यापक के छियालीस पद हैं और सहायक अध्यापक के चौवन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है और इसमें जो तीस जून तक आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें जो तिथि दी गई है तो इसके अलावा इसमें डिटेल जानकारी नहीं है चौबीस मई से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और तीस जून तक आप फिल कर सकते हैं इस तरह से यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है पहले मैं वीडियो बनाया था बनाता था तो बहुत स्पीडली बनाता था लेकिन अब मुझे लगा कि आपको समझ में कम आती है इसलिए इस वीडियो को आप हम देखते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तीस मिनट के आसपास लेकिन सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान जो है इसमें जो है नई दिल्ली में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो देखिए मेडिकल फील्ड में विभिन्न पद हैं आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य बीच रक्त शास्त्र से लेकर मेडिकल फील्ड में सा, के तंत्र से लेकर यानी मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी वैकेंसी है और यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती के लिए हैं 20 जून 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं तो इस तरह से यह मेडिकल फील्ड की बड़ी वैकेंसी है और कुल बारह पद हैं एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित है मेडिकल फील्ड में यह तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं अब राष्ट्रीय न्याय में जो न्याय में जो आवेदन आमंत्रित है इसकी हम बात करें तो इसमें जो पद हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो तो इस चैनल पर ऑलरेडी बनाकर अपलोड की गई थी लेकिन इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के स्नातक डिग्री वाले बी बी वाले एक पद के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है अप्लाई करना चाहते हैं तो सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है बारह जून तक ही है इसके अलावा नागालैंड विश्वविद्यालय से रिलेटेड वीडियो मैं बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ इसमें एक बड़ी वैकेंसी आई थी तो यह वीडियो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं दूसरी जो वैकेंसी है इंडिया गवर्नमेंट मिंट में आवेदन जो आमंत्रित किया गया है इसमें पर्यवेक्षक के लिए आवेदन आमंत्रित है इसके अलावा एन एन गेयर के लिए है कनिष्ठ टेक्निशियन वर्सिस वर्सिसर के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है इस तरह से यह है तो यह डिटेल जानकारी तो आपको देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं ट्राई करूंगा कि लिंक दे दूं कि जिससे कि आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाए अपलीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है सात जुलाई तक आप अप्लीकेशन शुल्क अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस पद के लिए अब हम बात करते हैं आर्थिक कार्य विभाग में एक परिपत्र नोटिफिकेशन जारी की गई थी तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए अब हम बात करते हैं भारत सरकार के केंद्रीय मन चिकित्सकीय संस्थान में एक सूचना दी गई है जो अठारह मई को सूचना दी गई थी इससे रिलेटेड तो, तो पहले भी हम सूचना मिली थी अब हम बात करते हैं भारतीय आर्थिक परिवर्तन संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल चार पद हैं जिसमें अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र और शिक्षा में आवेदन आमंत्रित किया गया है इस तरह से स्कूल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो आवेदन आमंत्रित हैं यह एक बड़ी वैकेंसी थी और इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया हूँ आपको क्या करना है कि इस चैनल पर जाना है इसमें विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित की गई

नौ उन्नीस जून तक आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए वेबसाइट पर आपको विजिट करना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक और सूरत कल के लिए एक और जो चौबीस मई को नोटिफिकेशन आया था इसमें भी कुल पद की बात करें तो कुल फोर्टीन पदों पर आवेदन आवेदन आया है और पद की बात करें तो इसमें प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के लिए है इसके अलावा प्रधान छात्र गतिविधि एवं खेल अधिकारी हैं अधीक्षक अभियंता के लिए हैं और असिस्टेंट सोरी डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए एक पद है उप सचिव के लिए है वरिष्ठ छात्र गतिविधि सहायक तो ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है और यदि अपलोड नहीं की गई होगी तो अपलोड कर दी जाएगी लेकिन हमें लगता है कि इस चैनल पर यह वीडियो अपलोड है इसलिए आप इस चैनल पर जाकर एक बार जरूर विजिट करें क्योंकि तो इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है अगली हम बात करते हैं जो जगदीश नारायण ब्रह्माचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में जो वैकेंसी आई है इसमें प्रचार के एक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है आयुष निर्माणी चंद्रा में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें इसमें टोटल पद की बात करें तो कुल एक सौ तीन पद है और पद का नाम है कार्यकाल आधारित जोखिमपूर्ण भवन कार में जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई है तो इसमें जो नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन है तो इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको सेल्फ पर देख सकते हैं क्योंकि यह डिटेल जानकारी हम बताएंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बीस जून दो तक आपके पास डेट है अगली जो बड़ी वैकेंसी हैं केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को आधार में आवेदन आमंत्रित हैं यह जो विश्वविद्यालय हैं भारत सरकार के अंतर्गत हैं और असम में आवेदन आमंत्रित किया गया है आप कमेंट करेंगे तो इससे रिलेटेड मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा बाईस मई को यह नोटिफिकेशन आया था इसमें जो वैकेंसी हैं सॉरी डिप्टी रजिस्ट्रार लिए हैं इसका अलावा कनिष्ठ सहायक डिप्टी रजिस्ट्रार के जो पद हैं कुल दो पद हैं तो पदवार तो आप देख सकते हैं जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार कनिष्ठ सहायक लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार सहायक पुस्तकालय के लिए हैं चिकित्सा अधिकारी स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट और अधिसासी अभियंता सुरक्षा अधिकारी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुल नाइनटीन पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है और डिटेल जानकारी क्वालिफिकेशन भी इसमें दी गई है लेकिन क्वालिफिकेशन मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए वेबसाइट पर जरूर विजिट करें अब हम बात करते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में एटी वन पद पर नोटिफिकेशन जारी की गई है तो यह डिटेल जानकारी है इस वैकेंसी से रिलेटेड भारत में जो वैकेंसी आई है सीमा पुलिस से रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है तो इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना है अब हम बात करते हैं सबसे जो है सी एस आई आर के द्वारा आपको पता है कि कंटिन्यू वैकेंसी जारी की जाती है तो एक बार आप सी एस आई आर की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें जिससे कि वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो सके अगली जो वैकेंसी है दो पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए हैं अगला जो पद जो है प्रतिनिधि के आधार पर है या जो वैकेंसी आई है नेशनल फीसर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज ही यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है यानी कार्यपालक निर्देशक तकनीकी हैं इसके अलावा वरिष्ठ कार्यपालक बी तैन प्रशासन वरिष्ठ कार्यपालक तकनीकी कार्यपालक कार्यपालक तकनीकी हैं और कार्यपालक सहायक तकनीकी कार्यपालक सहायक वित्त एवं प्रशासन में आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट है इन सभी पद के लिए यानी जो अंतिम तिथि की बात करें तो आज से ही 30 डेज काउंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए तो यह जो है डिटेल जानकारी दूसरी हम बात करें कि जो आपके लिए एक बी आर पोर्ट की संस्थान चलांधर से रिलेटेड कुछ जानकारी इसमें दी गई है इसमें जो अंतिम तिथि है वो पंद्रह छः दो हजार तेईस है और इसमें पोस्ट कोड जारी किया गया है तो इस तरह से आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं अब हम बात करें सैनिक स्कूल से रिलेटेड तो देखिए सैनिक स्कूल बाला चंडी। जामनगर गुजरात में जो आवेदन आमंत्रित हैं इसमें पी जी टी 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 टीचर पी आर टी टीचर से लेकर विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है डिटेल जानकारी आप तो देख सकते हैं इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी एक परिपत्र जारी की गई है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो पी जी टी टी टीचर नर्स टीचर सहित विभिन्न पद हैं परामर्शदाता का भी आवेदन आमंत्रित हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए हमारे पास कई बार फोन भी आता है तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जो आवेदन आमंत्रित हैं ग्यारह मई को यह नोटिफिकेशन आया था इसमें जो पद हैं साइंटिस्ट बी और सी सॉरी साइंटिस्ट साइंटिस्ट जी एफ ई डी और सी के लिए हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड की गई है आप जाकर डिटेल जानकारी देख सकते हैं इसके अलावा हम बात करेंगे यह जो बड़ी वैकेंसी है इससे रिलेटेड एक और बड़ी वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं जो नीचे हैं इसमें एसबीआई इस में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आवेदन आमंत्रित हैं यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो आवेदन आमंत्रित किया गया है, मई से फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और पांच जून ही अंतिम तिथि है तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो तो फ्रेंड केवल वीडियो ही ना देखें इस चैनल को लाइक भी करें इस वीडियो को लाइक भी करें वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि मैं इसी तरह का अपडेट और नई जानकारी आपको देता रहूं तो यह जो वैकेंसी है एस से रिलेटेड सभी डिटेल जानकारी दी गई है अगली जो सबसे बड़ी वैकेंसी की हम बात करते हैं तो दो पदों पर जो वैकेंसी आई है इसकी हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में दो पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है इसमें विशेषज्ञ अधिकारियों के दो पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और, और बैंक में जो भी पद हैं उसका अपलीकेशन फॉर्म फिल करने की हम बात करें तो देखिए दो जुलाई को तो टेस्ट होना है और ग्यारह छः तक आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके अलावा नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें जूनियर कंसल्टेंट के लिए पद हैं और कुल पाँच पद पर नोटिफिकेशन जारी की गई है इसके अलावा सेम सेंटर में एक और डेटा प्रोसेसिंग कंसल्टेंट के लिए एक एक पद पर और वेब एनिमिनिस्ट्रेटर के लिए वेब डिजाइनर के लिए एक एक पद पर नोटिफिकेशन जारी की गई है भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग से रिलेटेड जो वैकेंसी हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड की गई है वो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन से लेकर सभी डिटेल जानकारी आपको बताया गया है अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड मुंबई में जो वैकेंसी आई है तो इसमें लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी आई थी जिससे रिलेटेड वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड की गई है तो इससे रिलेटेड वीडियो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं तेईस जो परीक्षा तेईस जुलाई 2023 को होने की संभावना है और 20 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं डिटेल जानकारी इस चैनल पर अपलोड की गई है वीडियो बनाकर अब हम बात करते हैं एक और वैकेंसी के बारे में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो एक बड़ी वैकेंसी के बारे में हम बात करने की कह रहे हैं कि जब एक बड़ी वैकेंसी आई है तो इससे रिलेटेड हम इस कॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह सब पेपर दिया है किस तरह से तो इससे सिलेबस भी जारी कर दी गई है जो एस में जो वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन से रिलेटेड तो इससे रिलेटेड टू तो डिटेल जानकारी तो आप जो एक बड़ी वैकेंसी है जो इसको में जो पत्र पे आया था। और शुद्धि पत्र के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है अगली जो वैकेंसी की हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय में जो वैकेंसी आई है इसमें एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो है इसमें डिटेल जानकारी दी गई है हस्तांतरण भर्ती के लिए जिन पदों की चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की गई है यानी पहले यह या वैकेंसी आई थी अब हम बात करते हैं जो वैकेंसी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इसमें साइंसफिटिक अधिकारी बी और साइंसफिटिक सहायक बी के लिए एक एक पद हैं प्रयोगशाला सहायक के एक पद हैं प्रयोगशाला सहायक बी के एक पद हैं और कार्य सहायक के एक पद हैं कार्य सहायक के एक पद इस तरह से यह जो वैकेंसी आवेदन आमंत्रित की गई है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको अपलीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यानी न्यूज़ पेपर में पब्लिश होने के बाद से ट्वेंटी डेज हैं आपके पास अब सी डायक में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो इससे रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाकर पहले इस चैनल पर अपलोड किया हूँ एन लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित हैं तो इससे रिलेटेड पिछले रोजगार में भी डिटेल जानकारी आई थी जो आपको पहले से पता है अब हम बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में यानी केंद्रीय प्राधिक अधिकारी में जो एक शुद्धी एक सूचना जारी की गई है तो यह सूचना तो आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा एन लिमिटेड में जो आवेदन आमंत्रित हैं तो इसमें कोई ज़्यादा पद नहीं है अनुपालक अधिकारी के एक पद पर नोटिफिकेशन जारी की गई है अब भारत युवत सीमा पुलिस बल में जो नोटिफिकेशन है तो इसमें कुल रिक्तों की बात करें तो कांस्टेबल के पचास पद हैं कांस्टेबल मिस्त्री के लिए चौहत्तर पद हैं और बड़ई के लिए एक पद पर नोटिफिकेशन जारी की गई है इस तरह से यह बहुत बड़ी वैकेंसी है इस तरह से देखा जाए तो तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें इसके अलावा श्री माता बैंसुरो देवी विश्वविद्यालय जम्मू में है और इसके लिए एक जो शैक्षणिक सत्र तेईस चौबीस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है यह नोटिफिकेशन इसमें विभिन्न पद हैं तो यह आप देख सकते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए एक और नोटिफिकेशन है जिसमें सहायक उप निरीक्षक के लिए थर्टी फोर पदों पर नोटिफिकेशन जारी की गई है तो इस तरह से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अब हम बात करें भारतीय तीमत भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के लिए तो इसके लिए भी एक और नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें कुल थर्टी सेवन पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है सब इंस्पेक्टर के लिए और यह एक बड़ी वैकेंसी है जिसमें शुद्धि पत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो यह नीचे के जितने भी पद हैं सब शुद्धि पत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है तो फ्रेंड इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है इसकी हम बात करते हैं तो इसमें अधिकारी वित्त के लिए एक पद है सहायक प्रबंधन के लिए हैं वो प्रबंधन के एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं कीटनाशक शुत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान में भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई है तो यह डिटेल जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि गूगल में सर्च करना है रोजगार समाचार पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें उसके बाद आप वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा बट आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी वैकेंसी डाकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नौसेना डाकयार्ड मुंबई में जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इसमें विभिन्न विषय में एक बड़ी वैकेंसी है दो सौ इक्यासी पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है पदों की जानकारी आप देख सकते हैं किन किन पद हैं आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर विजिट करना है डिटेल जानकारी के लिए और वहाँ से डिटेल जानकारी प्राप्त करके अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इसके अलावा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग में जो पद हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ और विशेषज्ञ के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और सैलरी भी बहुत